गुड इवनिंग यार। तो आज आप डायरेक्टली ज्वाइन हो पा रहे हो आई थिंक ना, आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमने वर्क का फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया था लास्ट क्लास में, एंड दैट फॉर्मूला इज माइनस पी एक्सटर्नल डॉट चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा मैंने सिखाया था। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जो माइनस साइन आता है ये क्यों आता है, किसी को पता है क्यों आता है माइनस साइन? ये माइनस साइन आता है साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए। एग्जैक्टली। सो नाउ हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं एक प्रोसेस ले रहा हूँ आइसोथर्मल, थोड़ा डेरिवेशन करेंगे ठीक है। तो मैं थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। आइसोथर्मल जैसे आ गया अपने पास रिवर्सेबल, आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन लेट से। मुझे इस प्रोसेस में ना वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करना ठीक है। आपको ड्राइव मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आप याद रख पाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं लेकिन एक दो करके देखेंगे। आइसोथर्मल का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या है फटाफट? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, डेल्टा टी बराबर जीरो। रिवर्सेबल का मतलब भी मैंने आपको सिखा रखा है कि पी एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा बेटा? पी इंटरनल। और पी इंटरनल किसके बराबर आएगा बेटा? पी गैस के बराबर आएगा, क्योंकि अंदर गैस भरी हुई है ना। और पी गैस सबको पता है किसके बराबर होता है, पीवी क्वेश्चन एनआरटी पढ़ा है सबने। तो पी हमेशा किसके बराबर होता है? एनआरटी बाय वी के। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। इतना सबको समझ में आता है बताओ? आया ना? तो देखो अब इतना समझ में आता है तो फटाक से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो मैंने लिखा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। तो देखो पी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? अब लिख सकते हैं क्या? एन आर टी बाय वी डीवी, चाहिए डी डब्ल्यू मान लेते हैं इसको कि इंटीग्रेट करें। सो डी डब्ल्यू बराबर ये आ गया अपने पास। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो डी डब्ल्यू बराबर एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, यहाँ आ गया वन अपॉन वी डी वी। लिमिट क्या रखेंगे? वी इनिशियल से लेके कहाँ जा रहे हैं? वी फाइनल, सही है। अच्छा थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करूंगा बेटा, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ठीक है। सबको पता है एक फॉर्मूला आपने हो सकता है पढ़ा भी हो कि ये वाला फॉर्मूला कि वन अपॉन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ना तो एल एन एक्स बनता है, पता है क्या सबको? एल एन एक्स। और एल एन एक्स को लॉग एक्स में कन्वर्ट करते हैं ऐसे ठीक है। तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा? माइनस एन आर टी, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? एल एन वी। लिमिट कहां जाएगी? वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं W बराबर माइनस एन आर टी, लिमिट पुट करेंगे तो एन एल वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है? सबको पता है माइनस एन आर टी लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए बाय बी बेटा। एंड माई फाइनल फॉर्मूला विल बिकम, इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? W बराबर आ जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने सबसे पहले इस वाले प्रोसेस के लिए ड्राइव कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सबको? देखिए इजी है कि नहीं है? सर आपने ये LNX की वैल्यू कैसे फाइंड करी बेटा? ये चीज यस सर। बेटा ये तो तुझे सीधी करनी पड़ेगी, बहुत मैथमेटिक्स है इसमें, वो छोड़ दे। LNX हमेशा 2.303 log x के बराबर रहता है, इसको नहीं बता सकते अभी है ना पूरा, ये तो फिर फंक्शन सिखाना पड़ेगा। अभी तो हम डायरेक्टली तुम्हारा भी वैसा एप्लीकेशन है, तुम्हारे पास मैथ्स एप्लीकेशन के तौर पे सीधा यूज करेंगे। देखिए सब लोग ड्राइव करें, देखो पहला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, ये फॉर्मूला यूज होता है माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव कराना चाहता हूँ जिससे अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स करा पाऊं छोटे छोटे करके। देखिए सब लोग फटाफट इसको, आज लोग भी कम आए, क्या चक्कर है? आज कुछ है क्या? फटाफट करके देखेंगे बेटा सब लोग।
सर बट LNX का मतलब भी तो लॉगिक्स ही होता है बेटा. नहीं, पावर 10 की पावर वाला जो लॉग होता है ना उसको लॉग बोलते हैं, और एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है उसको LN बोलते हैं. दोनों में अंतर है, बाकी फंक्शन सेम ही है, लेकिन जब LNX बोलते हैं तो बेस जो होता है ना लॉग लगाने का वो एक्सपोनेंशियल होता है, ई रेस टू दी पावर, और जब लॉग बोलते तो 10 रेस टू दी पावर. समझे? ओके सर. द लॉग 2 और LN 2 की वैल्यू अलग अलग होगी बेटा. फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा है W के आगे? DW, DX लिखते हो ना? Yes sir. वैसे DX, D मतलब small change. फिर इसको integrate करा, तभी तो W लिख दिया मैंने. आगे देखें. हो गया बेटा इतना? नो सर, बस थोड़ा सा रह गया. यस सर, हो गया. चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फिर. तो अभी पढ़ा आइसोथर्मल, आपने क्या पढ़ा अभी? तो आइसोथर्मल आपने पढ़ा क्या? रिवर्सिबल. अभी एक्सपेंशन पढ़ा, तो पढ़ते हैं कंप्रेशन. देखो कोई चीज चेंज होगी क्या इसमें, देखते हैं क्या चेंज होता है. आइसोथर्मल का मतलब तो जो वही था वही है बेटा. रिवर्सिबल का मतलब भी अभी वही है जो आपने पहले पढ़ा. कंप्रेशन का मतलब बदल गया बस. इस बार V फाइनल छोटा हो जाएगा किससे? V इनिशियल से, सही है. लेकिन डेरिवेशन में कोई चेंज आएगा क्या? सोचो, डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा ना, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा बस. मेरी बात समझ रहे हैं क्या बेटा? डेरिवेशन करोगे तो सेम नहीं होगा डेरिवेशन, क्या फील कर पा रहे हैं सब लोग? यस सर. क्योंकि बेटा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बस ये हो गया कि इस बार V फाइनल, उधर V फाइनल बड़ा आ रहा था, इधर V फाइनल क्या आएगा? छोटा आएगा. सेम डेरिवेशन, दूसरा प्रोसेस इज डन. तीसरे प्रोसेस को देखते हैं बेटा. तीसरा प्रोसेस क्या है? अब पढ़ते हैं ध्यान से. देखो आइसोथर्मल, अब सब आसान है, कोई डेरिवेशन नहीं. आइसोथर्मल पढ़ते हैं इरिवर्सिबल. ठीक है, इरिवर्सिबल. मान लो एक्सपेंशन पढ़ना है आपको. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब क्या क्या चीज चेंज होगी सोचो. देखो नाम पे जाओगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा. आइसोथर्मल का मतलब क्या बोलो? डेल्टा टी बराबर जीरो. इस बार इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? क्या P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर है क्या? नो सर. नो सर. एक्सपेंशन का मतलब तो आज भी वही है. तो चलो इस बार क्या करेंगे, तो इस बार फॉर्मूला W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डॉट dV. अब की बार P एक्सटर्नल को चेंज कर नहीं पाएंगे, सही बात है. तो D, जब W लिखेंगे तो P एक्सटर्नल तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, चेंज ही नहीं कर पाए. तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? खाली dV. dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है? x. Yes, बोलो तो क्या जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, क्या लिख दोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो बहुत ही आसान है बेटा ये तो. कोई दिक्कत yes, बताओ किसी को, क्योंकि इस बार चेंज नहीं कर पाए ना भाई. एनआरटी बाई वी नहीं लिख सकते, तो सेम ही रहा. अच्छा इसी के बगल में ये कर दूं मैं आइसोथर्मल. सोचो यदि इसके बगल में दूं आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल कंप्रेशन कर दू, क्या फॉर्मूला चेंज होगा? कितने लोगों को लगता है फॉर्मूला चेंज होना चाहिए? सब कुछ सेम ही तो रहा बेटा. डेल्टा टी जीरो के बराबर आएगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर नहीं आएगा. बस एक ही चीज तो बदली, क्या? वी फाइनल छोटा हो जाएगा वी इनिशियल से. डेरिवेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेम फॉर्मूला ही लग जाएगा. बताओ समझ में आ रही है बात मेरी या नहीं आ रही है? यस सर. यस सर. देखो अब देखो पूरे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे. देखो सारे फॉर्मूले अपने आप आते जा रहे हैं. लिखो तो अपन ने आइसोथर्मल के सब पढ़ लिए, ठीक है. अब पढ़ेंगे अपन आगे वाले. ये पढ़ो पहले, ये लिख दो आप फटाफट.
हेलो सर। हाँ बेटा। सलीम माइनस पी एक्सटर्नल कैसे आया? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है ना बेटा, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, ये तो फॉर्मूला ही है। तो इस बार पी एक्सटर्नल को चेंज नहीं कर पाए क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा। तो सर यहाँ पे माइनस का कुछ मतलब है? हाँ बेटा, माइनस का लास्ट क्लास में बताया था ना मतलब माइनस का, तुम थे लास्ट क्लास में? No, sir. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पूरा ड्राइव करा ये फॉर्मूला, मैंने डेरिवेशन भी करा है, तो एक बार ये देख लेना तुम, ये ड्राइव किया है मैंने वो फॉर्मूला, ठीक है? तो स्क्रैच से ड्राइव किया था बिल्कुल। आगे बढ़ जाए। No, sir, अभी लिख रहे हैं। Yes, done, sir. चलिए अब देखो इसके बाद और आसान है। अब मान लो, आगे बढ़ जाऊं ना, सबने लिख लिया, पीछे वाला पेज देख लीजिए, बढ़ जाऊं बेटा, बोलिए। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मान लो आपसे पूछे कोई आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेशन। अच्छा, मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक का मतलब क्या, कोई बता देगा मुझे आप में से पहले? आइसोकोरिक का मतलब क्या है बताओ? डेल्टा वी जीरो है, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं है। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। देखो क्या जीरो है, डीवी जीरो है कि नहीं जीरो है? Yes, sir. चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क भी किसके बराबर आएगा, बोलो? जीरो। जीरो सही है, ये नीट में सवाल आ सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस और पढ़ाया था मैंने, आइसोबारिक। सही है, आइसोबारिक का मतलब बताओ फटाफट मुझे सबसे पहले। डेल्टा पी इज इक्वल टू में जीरो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। अब ये पी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इंटीग्रेशन में कौन जाएगा, डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होके आ जाएगा, बोलो? तो फॉर्मूला ड्राइव होके आ जाएगा अपने पास सिंपल सा, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोलो इजी है कि नहीं है? Yes, sir. अब देखो नीट में आने लायक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है। एक होता है बेटा फ्री एक्सपेंशन, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, आप वैक्यूम समझते हैं सब लोग? फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम के अगेंस्ट यदि आप एक्सपेंड हो रहे हो तो बताओ एक्सटर्नल प्रेशर क्या लगेगा आप पे, बाहर से लगने वाला प्रेशर क्या होगा? वैक्यूम है चारों तरफ तो कोई प्रेशर लगेगा आप पे, यस और नो बताओ? मैं कह रहा हूं यदि जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ पे, आप बैठे हो ऐसे ना, तो आप पे अभी प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? Yes, सही बात है। Yes, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ गैसेज है, अपना एटमोस्फेयर है। यदि एटमोस्फेयर गायब कर दू, वैक्यूम कर दू, तो कोई प्रेशर लगेगा क्या? नो सर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल जीरो के बराबर हो जाएगा बेटा, मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि पी एक्सटर्नल जीरो के बराबर होता है, वर्क का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल और जीरो, तो पी एक्सटर्नल जीरो है, तो वर्क कितना जाएगा, जीरो। ये बहुत नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, जीरो। एक और नीट में सवाल आ सकता है, एक प्रोसेस होता है एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने सोच लिया कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, हीट किसके बराबर आती है, जीरो।
भाई देखो फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क जीरो के बराबर आ रहा है, एडियाबेटिक में हीट भी जीरो के बराबर होती है, और फर्स्ट फ्लो सिखाया था आपको, फर्स्ट फ्लो क्या होता है, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। तो देखो यदि क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो, डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट नीट का सवाल है कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में वर्क भी जीरो, हीट भी जीरो और इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर आती है? जीरो। समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब एक प्रोसेस छोड़ दिया मैंने, कौन सा प्रोसेस छोड़ दिया कोई बता सकता है मुझे? मैंने चार लिखवाए थे, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। सही बात है, एडियाबेटिक का वर्क कैलकुलेशन मैं थोड़ा एंड में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, एंड में देखेंगे। क्लियर है भी इतना? लिख के देखो उसको फटाफट। सर यहाँ पर भी तो मतलब W is equal to में माइनस पी एक्सटर्नल पे तो आपने dv की मतलब इंटीग्रेशन कर दिया था, तो इधर क्यों नहीं करा? कहाँ पे बेटा? फ्री एक्सपेंशन में। यस सर। हाँ बेटा, पी एक्सटर्नल जीरो के बराबर, लड़की ये जीरो है तो सभी जीरो हो गया ना, फिर काय का इंटीग्रेशन करो, मल्टीप्लाई में ना। और इधर भी तो जीरो होगा सर फिर। कहाँ आइसोबारिक में कहाँ जीरो होता है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट होता है बेटा, डेल्टा पी जीरो है ये, इसका मतलब प्रेशर बराबर कांस्टेंट, जीरो थोड़े ना। सही है बेटा, सब वैक्यूम होगा तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वैक्यूम का मतलब ये है ना कि बाहर कोई भी गैस नहीं है, तभी तो प्रेशर जीरो है। सही है सर। आइसोकोरिक में डेल्टा वी इज इक्वल टू, आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो था तो बेटा इसकी वैल्यू जीरो के बराबर थी। सही है, तभी तो जीरो आया बेटा। इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटीएम, समझ रहे हो? यस सर। पर ऊपर तो जीरो दे रखा है इसमें, पी हाँ बेटा सर, आइसोबारिक में ही बेटा डेल्टा पी जीरो दे रखा है बेटा, इसका मतलब है डेल्टा पी बराबर जीरो, मतलब प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पी बराबर जीरो है, इस चीज का ये थोड़ा ना मतलब है, इसका तो मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है भाई, कोई ना कोई वैल्यू। सही बात है, अभी क्लियर है भाई? देखो देखिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब लोगों को? यस सर। हर एक प्रोसेस में वर्क आना चाहिए आपको, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देखो मैं नाम से मैं आपको बहुत अच्छे से ड्राइव करके बता रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा तो 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको डेरिवेशन, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फील आए कि हाँ ऐसे करके चीजें ठीक हो जाती है, पता चल जाता है। ठीक है, देखो करके अभी आप आराम से सेटिस्फाई हो जाओगे, तब बढ़ूंगा मैं। मैंने आपको आइसोथर्मल में सिखाया है, मैंने आइसोकोरिक में सिखाया, आइसोबारिक में सिखाया, फ्री एक्सपेंशन में सिखाया, मैंने एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में सिखाया, तो आपको मैंने टोटल मिला 5-6 प्रोसेस में सिखाया। अब कुछ भी दोबारा पूछना चाहते हैं मैं दोबारा बता दूंगा, फिर नहीं फिर आप देखेंगे। हीट अभी एडियाबेटिक नहीं बता रहा हूं मैं, अभी हीट कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको फटाफट। क्लियर, समझ गए ना इसका मतलब? ये वाला डाउट क्लियर हो गया सबका? डेल्टा पी बराबर जीरो का मतलब पी जीरो नहीं है, प्रेशर कोई वैल्यू रखता है, 10, 20, 100, तो यहाँ वैल्यू आएगी ना, मतलब 20 एटीएम है तो यहाँ पे फिर मैं 20 एटीएम वैल्यू रखूंगा ना बेटा, जीरो थोड़े ना है। और यहाँ पे आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो है तो यहाँ डेल्टा वी यूज हो रहा है, इसलिए मेरा वर्क जीरो हुआ। यहाँ वी वी यहाँ फॉर्मूले में डेल्टा है और चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ चेंज इन प्रेशर नहीं है, पी है। डन बेटा, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सर अभी नोट कर। अच्छा कर लो नोट।
बढ़ो आगे बेटा, एक मिनट सर, एक बार एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब बता दो बस। बेटा एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब है, जैसे मान लो तुम बैठी हुई हो तो तुम्हारे चारों तरफ एक प्रेशर लग रहा है ना, तो किस चीज का प्रेशर है? वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, गैसेज है ना हमारे चारों तरफ, सही बात है? यस सर। तो अभी एक्सटर्नल प्रेशर है कुछ ना कुछ, मान लो मैं यहाँ पे वैक्यूम कर देता हूँ, सारी गैसेज हटा देता हूँ, सही है? तो तुझ पे लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। वही मतलब है, समझी बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, सबने हो गया है, बताओ आगे बढ़ जाऊं? यस सर, हो गया। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं हीट कैलकुलेशन, हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? हीट कैलकुलेशन में देखेंगे सब लोग ध्यान से, हीट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक वर्ड पढ़ना है, हीट कैपेसिटी। क्या होती है हीट कैपेसिटी बताता हूँ। देखो आपने सबने सुना होगा या देखा भी होगा कि मान लो आपके पास कोई एक्स सब्सटेंस है, मान लो यहाँ पे आपने कुछ हीट दी, आपने यहाँ 100 जूल हीट दी, तो क्या आपको यहाँ पे 100 जूल हीट मिल जाएगी दूसरे तरफ, हाँ या ना? ऐसा होता है क्या? आपको पता है, मान लो आयरन है, आयरन है, आयरन का टुकड़ा है, तो कुछ ना कुछ ये हीट अपने अंदर रख लेगा। yes, ऐसे तो होता है भाई, ऐसा थोड़ा ना 100 का 100, ये कुछ रख लेगा। मान लो 5 जूल रख ली इसने, तो यहाँ आपको 95 मिलेगा। तो हर किसी की अपनी अपनी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। बात समझ आ रही है? सब मतलब समझ रहे हो? अब देखो हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करें, तो सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, टोटल हीट कैपेसिटी। एक वर्ड डिफाइन किया मैंने, टोटल हीट कैपेसिटी। क्या मतलब है कि आप कोई भी सब्सटेंस लो तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, आपने किसी भी सब्सटेंस का कुछ भी रैंडम उठाया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करा, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट चेंज हुआ ना, वही उसकी हीट कैपेसिटी। जैसे मान लो मैं बैठा हुआ, मेरा टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, तो आपने मेरा 25 से 26 डिग्री करा, तो जितनी भी हीट मैंने ली वो क्या है, मेरी हीट कैपेसिटी है। या 25 से आपने 24 करा तो मैंने कुछ हीट दी, तो वो क्या है, मेरी हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई सबको? बताओ ये बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो हीट कैपेसिटी क्या, कैसे डिफाइन करते हैं अपन हीट कैपेसिटी को, डिफाइन करते हैं कि क्या है, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये टेम्परेचर। चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या कहलाती है अपनी, हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो आप? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी टी लिख देते जाता है, ठीक है? तो सी टी क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, कोई बता सकता है मुझे यूनिट? देखो ऊपर क्या है, जूल, नीचे क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, सही है भाई? बताओ बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव सोचते हैं? बताओ मेरी हीट कैपेसिटी और इस पूरी दुनिया की हीट कैपेसिटी क्या सेम होगी क्या? नो सर। नो सर। कैसी क्वांटिटी हो गई है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, क्योंकि वो क्वांटिटी एक्सटेंसिव होती है जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका रीजन है कि यार इसमें क्या है, सिस्टम का साइज फिक्स नहीं है। टोटल हीट कैपेसिटी में आप कोई भी सिस्टम को ले सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हमने एक नई चीज बनाई जिसको हमने नाम दिया मोलर हीट कैपेसिटी। नाम दिया अपन ने मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई? तो देखो सेम डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, ठीक है, व्हेन व्हेन टेम्परेचर इज, व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल। मैंने क्या कर दिया बेटा, अब मैंने सिस्टम का साइज फिक्स कर दिया, ऊपर वाले में मैंने सिस्टम का साइज फिक्स नहीं किया था, अभी मेरे सिस्टम का साइज कितना हो गया बोलो, 1 मोल, समझे? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सी बराबर
कैसे करोगे बताओ, एक मोल के लिए डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा आप में से मुझे? आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, जैसे मान लो कि 10 किताबों का वजन 100 रुपए है, सॉरी 10 किताबों का वजन सॉरी प्राइस 100 रुपए है, तो एक किताब का प्राइस कितना रहेगा, कैसे करोगे बताओ? तो 10 से तो टोटल मोल मान लो एन है, तो एक मोल का निकालना है तो किससे डिवाइड कर दो, एक मोल से। अच्छा यूनिट क्या बनेगी बताओ, यूनिट क्या बनेगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, yes, नहीं है? अच्छा कैसी क्वांटिटी रहेगी इस बार ये? अब ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी बेटा? इंटेंसिव, क्योंकि सिस्टम का साइज क्या हो गया, फिक्स। अब हमारा सिस्टम वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, हमें फिक्स सिस्टम का साइज हमने फिक्स कर दिया, जब साइज फिक्स कर दिया तो साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यदि इससे कभी भी हीट निकालनी हो, हीट कैसे निकालोगे, यदि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एन सी, किसके बराबर हो जाएगा भाई, एन सी डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? और यदि मैं इसको डी क्यू के फॉर्म में लिख दूं तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी डेल्टा टी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टी वन से लेके टी टू। समझे कैसे हीट निकाल सकते हैं अपन? जैसे मैं बताऊं, सुनो, जैसे मान लो मेरा नाम है नरेंद्र, एक बार बताना, मान लो नरेंद्र की हीट कैपेसिटी है 5, कितनी हीट कैपेसिटी है 5, और आपने मेरा टेम्परेचर 25 से लेके 30 डिग्री कर दिया, तो कितनी हीट चेंज हुई बता सकते हैं बताओ? यदि मेरी हीट कैपेसिटी 5 है और आपने मेरा टेम्परेचर 25 से 30 कर दिया, तो कितना हीट में चेंज आया कोई बताएगा? ये 5 क्या है, हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी क्या है, जब आप 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करते हो तो 5 लगता है, तो आपने कितने डिग्री से चेंज किया टेम्परेचर बेटा, 5 से, तो कितना हीट का आ जाएगा बताओ चेंज, 5 का। देखो बेटा 1 डिग्री चेंज करने के लिए 5 लगता है, यही तो हीट कैपेसिटी है, आपने 25 से 30 करा तो टेम्परेचर में चेंज कितने का आया, 5 का, तो हीट में चेंज कितने का आएगा, 25 का, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको जो हीट लगती है वही तो हीट कैपेसिटी है, तो वो मेरी 5 है, आपने मेरा टेम्परेचर 25 से 30 कर दिया तो हीट में चेंज कितना आएगा, 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये बात सबको समझ में आई क्या बेटा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो दोनों लिखेंगे आप, तो मैंने दो वर्ड पढ़ा है, एक पढ़ा है टोटल हीट कैपेसिटी, एक पढ़ा है मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? देख लीजिए एक बार, लिख के देखिए सब लोग बेटा, ये समझ में आ गया क्या सबको हीट कैपेसिटी का मतलब, बताइए, रेस्पॉन्स करो सब लोग, नहीं आया तो दोबारा बताओ। वाला समझ में आया, कौन सा वाला सर? जो अभी आपने लास्ट में एक एग्जांपल दी कि एग्जांपल बता रहा हूं, सुनो देखो, मान लो कोई सब्सटेंस है ये एक्स, इसकी हीट कैपेसिटी 5 गिवन है बेटा, एक बार सोच, इसकी हीट कैपेसिटी 5 का मतलब क्या है ये बता, सोच, हीट कैपेसिटी का मतलब है यदि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज होता है तो इसमें 5 का चेंज आएगा हीट में, सही बात है, ये समझ में आ रहा है लड़की? यस सर। अब मान ले इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तूने 25 से कर दिया 30, तो मैं हीट का चेंज निकालना चाहता था, हीट चेंज कितना होगा बेटा, 1 डिग्री के लिए कितना हीट में चेंज आ रहा है, 5, कितना डिग्री से टेम्परेचर चेंज हुआ, 5 से, तो टोटल कितना जूल एनर्जी का चेंज हुआ बेटा, 25 का ही तो हुआ। यस सर, ये बताया मैंने, तो हम हीट कैपेसिटी से, मैंने कहा यदि मुझे डेल्टा क्यू निकालना है तो आई कैन कैलकुलेट एन सी डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस T1, ऐसे तो किया मैंने, मोल मान लो इसका एक ही था, हीट कैपेसिटी इसकी 5 थी, टेम्परेचर में चेंज 5 था, तो 25 जूल एनर्जी का चेंज आ गया, सही है। तो ऐसे अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, देखो ये लिखा तो मैंने फॉर्मूला, ऐसे करके हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी की मदद से हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। अभी देखिए सब लोग लिख के, कोई भी डाउट हो बेटा पूछिए, तो जैसे मैं आपको हीट की कैलकुलेशन सिखाई, ऐसे ही मैं आप वर्क की कैलकुलेशन सिखाऊं, वैसे मैं हीट की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, क्योंकि इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन निकालना सीख पाएंगे। अभी एक हीट कैपेसिटी और होते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी पढ़ा, वो फिजिक्स में यूज आएगी आपके, लेकिन हम यहाँ पे भी हल्का सा देख लेंगे, आगे बढ़ जाए बेटा। सर बस थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अभी सबको क्लियर हो गया है? कोई ऐसा है जिसको हीट कैपेसिटी में दिक्कत है, प्लीज पूछ लीजिए।
सर आपने इसको फॉर्मूला तो डेल्टा क्यू का एन सी डेल्टा टी लिखा है ना। हाँ बेटा देखिए था ना, सी बराबर था 1/n dQ/dt, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्यू के लिए। सही है, यहां से देख, सही है। यस सर। सर आपने इसका नीचे इंटीग्रेशन क्यों कर रहा फिर? बेटा वो तो चेंज निकालने के लिए, dt को चेंज करते हैं ना, dt t2 में इंटीग्रेशन मतलब कोई फंक्शन गिवन हो तो ऐसे तो लिखते हैं ना, जैसे मतलब तो ऐसे लिख दे n c t2 - t1 वो भी चलेगा। एक ही मतलब है ना बेटा, dt का n और c कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो dt का t इंटीग्रेशन होगा, वो भी तो ऐसे लिखा जाएगा t2 - t1। ओके सर, आगे बढ़ जाऊंगा। सर एक बार इसका एक्सटेंसिव और वो इंटेंसिव का बता दो सर, कि ऊपर वाला क्योंकि सर उसका सराउंडेड बाउंडिंग था इसलिए। एक बार बेटा टोटल हीट कैपेसिटी में देख, सिस्टम का साइज फिक्स नहीं है, जैसे मेरी और इस पूरी यूनिवर्स की हीट कैपेसिटी सेम है क्या, सोच, अलग अलग है ना। तो ये तो तुझे साफ साफ समझना चाहिए एक्सटेंसिव है, लेकिन जब तूने सिस्टम का साइज फिक्स कर दिया 1 मोल, अब तो तेरे सिस्टम का साइज ही फिक्स है, अब तो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करेगी ना बेटा इस क्वांटिटी, सिस्टम का साइज ही तूने कितना कर दिया 1 मोल, अब सिस्टम का साइज ही वेरिएट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, तब तो इंटेंसिव ही मानेंगे ना बेटा, समझे क्या बेटा? हाँ जी सर। यस सर, आ गया कि पहले में सिस्टम का साइज वेरिएबल है इसलिए उस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे में तो कांस्टेंट है सिस्टम का साइज ही। आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, एक चीज और पढ़नी है आपको, जिसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, फिर से सेम डेफिनेशन लिखूंगा, इट इज दी हीट चेंज व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 1 degree Celsius फॉर 1 gram। अब की बार मैंने क्या कर दिया भाई, 1 gram कर दिया, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, ये टोटल वजन के लिए था तो 1 gram के लिए निकालना है तो क्या करना चाहिए, कोई सजेशन देगा मुझे? मान लो 100 kilo का वजन, मान लो आपको 100 kilo की कोई चीज पता है, 1 kilo की निकालनी है तो क्या करोगे बताओ, आप टोटल मास से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड। यस सर। तो देखो वही कर दिया, फॉर्मूला बन गया अपने पास, यूनिट बना दो इसकी, यूनिट क्या बनाएंगे, जूल पर डिग्री ग्राम। सही है, कैसी क्वांटिटी होगी बताएगा आप मुझे, से एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? सर एक्सटेंसिव। कैसे एक्सटेंसिव हो सकता है, सिस्टम का साइज सोचो कितना है, 1 gram। तो फिक्स कर दिया ना, तो इंटेंसिव ही तो हुई, सिस्टम का साइज वेरिएबल ही नहीं है भाई, सिस्टम का साइज तो कितना है 1 gram, फिक्स ही कर दिया तुमने, इससे भी अपन डेल्टा क्यों निकाल सकते हैं, क्या आएगा, ms डेल्टा t, बहुत फेमस फॉर्मूला होता है वैसे फिजिक्स का। अच्छा तीनों में रिलेशन निकालते हैं, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको ध्यान सुनेंगे, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन, बेटा रिलेशन बिटवीन CT, C और S का रिलेशन निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, C क्या है, कितने मोल की हीट कैपेसिटी बताओ, 1 mole की? यस सर। तो मुझे टोटल, मान लो मेरे पास 1000 mole है, 1000 mole की हीट कैपेसिटी निकालना है तो क्या करना चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई, देखो 1 mole की पता है C, तो 1000 mole की कितनी हो जाएगी, एम से मल्टीप्लाई तो करोगे, yes, वही तो क्या है टोटल हीट कैपेसिटी। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है ऐसा, है ना, जिसमें 1000 mole है भाई, और 1 mole की हीट कैपेसिटी सी है, तो इस सिस्टम की टोटल हीट कैपेसिटी कितनी आएगी बताओ, 100 into C तो आएगी, यस सर। तो पहला रिलेशन क्लियर, यस सर। सब कुछ आसान है, आप लॉजिक से पढ़ोगे तो कुछ भी याद ही नहीं करना पड़ रहा। फिर अब निकालते, देखो C का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने, 1/n dQ/dt पढ़ाया आपको। अच्छा मोल क्या होता है सबको पता है, ये तो पढ़ा होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट होता है, यस सर। तो ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, छोटा है ना, गिवन वेट है मेरा, ठीक है बेटा, और नीचे m मेरा मोलर वेट है, ठीक है, मोलर मास। तो n की वैल्यू रख रहा हूं बेटा इसमें, देखो क्या जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो C बराबर क्या आ गया, 1/m
डी क्यू बाय डी टी इंटू कैपिटल एम। अच्छा ये क्या है, कोई बताएगा मुझे आप में से? देखो ये दिख रहा है सबको? Yes, तो क्या आ गया सी बराबर एस एम, क्लियर है क्या? देखो तीनों को रिलेट कर दिया मैंने आपस में, देखो बिल्कुल इजी है। ये तो डेल्टा क्यू था ना तो डी क्यू है बेटा, डेल्टा क्यू कहा था ये, देखना ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। देख बेटा इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? इसको एम को ऊपर ले गया। अब देखो ये क्या है बेटा, ये क्वांटिटी तो देखो क्या है, ये क्वांटिटी ऐसी तो है, अभी तो डिफाइन करा, तो ये क्वांटिटी एस है, तो सी बराबर क्या आ गया एस एम, तो रिलेट कर दिया अपन ने, सही है? देखिए सब लोग फटाफट, बेटा सबको समझ में आ गया? देखो यस सर, लिखो फटाफट लिखा हुआ है क्या बेटा? सर ऊपर में आपने बाई के बाद क्या लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में? एस कहाँ पे, यही एस ही लिखा हुआ था ब्रैकेट में बेटा, हो गया कितने डेफिनेशन है ना सर उसमें बाई के बाद। It is the heat change when temperature change by 1 degree Celsius. अच्छा ओके सर, एक ग्राम के लिए करते हैं तो स्पेसिफिक होता है, एक मोल के लिए करता है तो मोलर होता है। डन, आगे बढ़ जाऊं बेटा? Yes, sir. चलिए अब देखो, अब अपन ने देखो एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले बताओ आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी क्या होगी? आइसोथर्मल अभी भी सिखाया आपको, आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो के बराबर आएगा, तो आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है देखो, बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी की वैल्यू, बताएगा कोई? डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है बेटा? जीरो है? जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जीरो से डिवाइड कर रहे बेटा, जीरो से डिवाइड क्या होगा? अरे बोलो इनफाइनाइट, ये नीट का सवाल बन सकता है। आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी कितनी होती है? इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? बोलो बेटा, लिखना बाद में समझो, क्लियर है? अच्छा बोलो एडियाबेटिक में हीट कैपेसिटी निकालनी है, एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक मतलब क्या होता है? चेंज इन हीट बराबर जीरो, हीट में चेंज जीरो के बराबर है, तो कोई बताएगा हीट कैपेसिटी कितनी आएगी? जीरो, जीरो, हाँ ऊपर जीरो आ गया। तीसरी बात सुनो बेटा, आइसोकोरिक में और आइसोबारिक में जीरो नहीं होगी, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी इनकी, ठीक बात है? जीरो नहीं होगी, आइसोबारिक और आइसोकोरिक में कोई भी वैल्यू होगी, तो आइसोकोरिक को बोलते हैं सीवी और आइसो बारिक को बोलते हैं सीपी। सुना होगा आपने सीवी सीपी, सुना है कभी? तो आइसोकोरिक की जो हीट कैपेसिटी है कोई वैल्यू रखेगी इसको सीवी बोलेंगे, और आइसोबारिक में भी कोई वैल्यू रखेगी जिसको सीपी बोलेंगे। सुना है सीपी सीवी, सुना है? यस सर। क्या रिलेशन होता है सीपी सीवी बताओ? सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है बेटा? एन आर, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है आपने ये? अरे बताओ yes,
याद दिला दिया, चारों ये चारों केमिस्ट्री क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है लिखो फटाफट फिर आगे पढ़ाता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट चीज है, हम क्या बोल रहे बेटा, हीट कैपेसिटी जीरो की होगी। आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी, बहुत कम आवाज आ रही है। एडियाबैटिक की हीट कैपेसिटी जीरो की होगी। बेटा एक बार बता ये फॉर्मूला दिख रहा है तुझे, इसमें इसमें वन अपॉन एन यह होता है चेंज इन हीट, सही है ऐसे लिख देता हूं, बाय चेंज इन टेम्परेचर, सही लड़की। अब चेंज इन हीट जीरो के बराबर है तो देख जीरो नहीं आएगी, आया बेटा समझ? यस सर। और आइसोथर्मल की इनफाइनाइट क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, ऊपर जीरो होता है तो इनफाइनाइट आता है। यार कल आप लोग की एक डाउट क्लास लगा लूं मैं, चलेगा आपको इसी टाइम पे? आपको डाउट क्लास नीडेड थी, इसी टाइम पे डाउट क्लास लगा सकते हैं कल? सर इस टाइम तो क्लास होंगी हमारी। अच्छा क्लास होती है आपकी, किस चीज की क्लास होती है? जूलॉजी। अच्छा जूलॉजी क्लास होती है, ओके। तो अच्छा, और आप सब लोग स्कूल से कितने बजे फ्री हो जाते हैं? 3 से 4 लगा सकता हूँ आपकी क्लास? यस सर, 3 से 4। यस सर। 3 से 4 में किसी को आपत्ति है बताओ? नो सर। ठीक है मैं एक बार बात कर लूंगा आपके कोऑर्डिनेटर से, कल 3 से 4 सिर्फ डाउट क्लास, आप डाउट पूछ सकते हो, मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, जो भी आपके डाउट है वन बाय वन करके भेज सकते, भेज देंगे आप, मैं सॉल्व करता रहूंगा भाई, ठीक है? मैं एक बार बात भी कर लूंगा अभी। चलो आगे बढ़ सकते हैं, ये हो गया सबका? यस सर। यस परफेक्ट। चलिए तो अब हम आपको कैसे खाते हैं, सीपी और सीवी एक कांस्टेंट है ना बस? हाँ कोई वैल्यू आएगी उनकी, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगी, वो कुछ भी हो सकती है, वो 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोई भी वैल्यू है ना, सही बेटा? अच्छा अब सुनो, अब हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा कोई बताओ इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन था बेटा, कैसा फंक्शन था, याद है सबको? स्टेट फंक्शन था, सही बात है, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती थी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी। अच्छा मान लो मेरे पास कोई प्रोसेस है जिसमें आइसोकोरिक प्रोसेस करा रहा हूं, किसी सिस्टम पर मैं कौन सा प्रोसेस करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आइसोकोरिक प्रोसेस करा रहा हूं। अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस की मान लो फर्स्ट फ्लो लगाए आइसोकोरिक प्रोसेस पे, तो क्या कहलाता है? डेल्टा यू बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है बेटा। अच्छा आइसोकोरिक में क्या चीज जीरो के बराबर होती है, बता सकता है मुझे क्या चीज जीरो के बराबर होती है आइसोकोरिक? देखो अभी बताएगा। वॉल्यूम। क्या चीज? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वर्क जीरो के बराबर होगा, सही बेटा? वर्क जीरो के बराबर। तो देखो आई कैन राइट डेल्टा यू बराबर किसके आ गया, डेल्टा क्यू के बराबर आ गया। यस सर। डेल्टा यू किसके बराबर गया? डेल्टा क्यू के। और अभी भी पढ़ाया आपको डेल्टा क्यू क्या होता है, सी बराबर होता है 1/n डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, सही बात है बेटा? अच्छा जब आइसोकोरिक है तो ये सी भी बन जाएगा, है कि नहीं है? तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो यहां से डेल्टा क्यू बराबर आ रहा है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आ गया, देखो क्लियर है? Yes, sir. And अब देखो, अब आपको एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखनी है, मैंने किस प्रोसेस के अंदर निकाला, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के निकाल रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, मतलब आप किसी भी प्रोसेस पे लगा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कैसा फंक्शन है, यू स्टेट फंक्शन, मेरी बात समझ रहे हो आप? मतलब आपने निकाला भले से ही इस फॉर्मूले को आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू है, लेकिन अप्लाई आप इसको आइसोबारिक में भी कर सकते हैं, एडियाबेटिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि यू कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, यू को फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू काम किया है, मेरी बात समझ रहे हो क्या?
यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है? इसको लिखेंगे सबसे पहले सब लोग। ओके बेटा, तो एक फॉर्मूला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब होता क्या है? आइसोकोरिक मतलब बेटा, आइसोकोरिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ओके आइसोकोरिक में डेल्टा वी बराबर जीरो होता है, मतलब तो वर्क भी जीरो के बराबर आएगा, है ना? तो उससे मैंने निकाल लिया। और ये फॉर्मूला हर प्रोसेस में एप्लीकेबल है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यू स्टेट फंक्शन है, आपने निकाला भले आइसोकोरिक के लिए। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। एक फॉर्मूला यू का ये है जो आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला यू का आपको एक और याद रखना है जिसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो यू बराबर होता है एफ बाय टू एन आर टी, ठीक है? मैं बता दूं यहां पर एफ क्या है, क्या आपका सवाल हो सकता है? इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैं समझा रहा हूं क्या है, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एन सबको पता है मोल है बेटा, आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट है, सबको पता है ना? Yes, और टी टेम्परेचर है, याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखते हैं, ठीक है? केल्विन में। अब देखो ये एफ नई बला आ गई, तो एफ क्या होता है? एफ क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि आप कितने डायरेक्शन में मोशन कर सकते हो। जैसे मैं आप बताओ, जैसे मान लो मैं एक रास्ते पे खड़ा हूं, ऐसे यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मैं कहां कहां चल सकता हूं? मैं एक्स एक्सिस में चल सकता हूं और मैं वाई एक्सिस में चल सकता हूं, सही बात है ना? Yes, sir. भाई मेरा वेलोसिटी वेक्टर या तो आई कैप में हो सकता है, तो किसमें हो सकता है? जे कैप में। और मैं उड़ भी सकता, तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर किसमें हो सकता है? के कैप में। ऐसे तो लिखते हैं आप 3i कैप + 3j कैप + 4k कैप, इसका मतलब क्या समझते हो आप? कि वो जो पार्टिकल है वो इन तीन डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, सही बात है? Yes, sir. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जितने डायरेक्शन में वो आदमी मोशन कर रहा है, इन दैट केस मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? तीन, समझे आप? तो हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनो, गैसेस को ना डिवाइड किया डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। तो एक गैस मैंने मानी मोनो एटॉमिक गैस, कौन कौन सी गैसे मानते हैं अपन? मोनो एटॉमिक, एक होती है डाई एटॉमिक, एक होती है पॉली एटॉमिक, एक होती है पॉली एटॉमिक लीनियर, और एक मानेंगे पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है? अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे मोनोएटॉमिक होगी हीलियम, डायटॉमिक होगी जैसे O2, पॉलीएटॉमिक लीनियर का मतलब है CO2, समझते हो? CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ऐसा होता है ना, लीनियर होता है, तो जो एक से ज्यादा नॉन लीनियर O3 हो गई, जैसे O3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, समझे? अब हमें डिग्री ऑफ इनके फ्रीडम निकालने हैं, तो देखो दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं कंसीडर करूंगा, एक लीनियर मोशन कंसीडर करूंगा और एक रोटेशनल मोशन कंसीडर करूंगा। ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है बेटा, लेकिन फिजिक्स में आपने पढ़ा है क्या अभी तक ये सब? पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा तो मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा है रोटेशनल, तो रोटेशनल और लीनियर, देखो मैं बता रहा हूं अभी, मैं समझा देता हूं आपको फटाफट, मिनट लगेगी। पहले बताओ ये क्लासिफिकेशन समझ गया आप? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, समझ गए क्या मतलब है? एग्जाम्पल देगी हाँ या ना? जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो बेटा फटाफट। आ गया सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आया बस। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो समझा ही रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कोई आदमी कितने डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, अभी समझाते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, एक सिंगल गोला रखा हुआ है, एक बॉल समझो आप, तो वो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है बताओ? एक्स वाई जेड में जा सकता है गोला, लीनियर मोशन, हर आदमी लीनियर मोशन तो तीन डायरेक्शन में करेगा, एक्स में करेगा, वाई में करेगा और जेड में करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके तीन होते हैं बेटा, सबके तीन होते हैं, सबके तीन, सबके तीन। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल में दिक्कत है, तो देखो सिंगल गोला अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है ऐसे ऐसे, yes, sir. लेकिन अपने एक्सिस पे जब वो रोटे, मान लो सिंगल गोला है, तो को मैं सिखाता हूँ, तो जो सिंगल गोला है ना वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा ऐसे, लेकिन जो अपने एक्सिस पे जो रोटेशन होता है ना उसको अपन कंसिडर नहीं करते, ठीक है? तो सिंगल गोले का, सिंगल गोले का अपने एक्सिस पर रोटेशन हुआ जीरो, एक ही तरीका है, तो वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, एक्स में भाग सकता है, वाई में भाग सकता है, जेड में भाग सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? यस सर। तो
एक्स वाई जेड में चल सकता है वो और अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, तो अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है उसको मोशन कंसीडर नहीं करेंगे अपन, ठीक है, बस केमिस्ट्री में नहीं करते, बाकी तीन करते हैं। अब दो गोले जुड़े हुए, डायटोमिक का मतलब क्या, देखो ऐसे ऐसे, सही है, तो ये देखो कैसे कैसे रोटेट हो सकते हैं, एक ये ऐसे रोटेट हो सकते हैं इस एक्सिस पर, एक ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं, देखो दो गोले जुड़े हुए मुझे देखिए आप, तो वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं या वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, क्लियर है सबको, देखो आपको दिख रहा है क्या, यस सर, तो या तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा या तो फिर वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे रोटेशनल, इसके कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, इसके टोटल, टोटल की बात करूं तो टोटल की बात करूं तो इसके टोटल हो गए तीन, इसके हो गए पांच, सही है। अब पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक का मतलब है यार कि एक से ज्यादा गोले लगे हुए हैं ऐसे बस, तो भी तो वो ऐसे रोटेट कर सकते हैं या ऐसे रोटेट कर सकते हैं, नहीं समझे भाई, जैसे मैंने कहा दो गोले लगे हुए हैं, दो की जगह मान लो दस गोले लगे हुए हैं, तो भी तो वो ऐसे रोटेट करेंगे या तो कैसे रोटेट करेंगे अपन, ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, यस सर, तो इसके भी कितने आएंगे, दो पांच, ठीक है, जिसको कम समझ में आया हो डायरेक्ट ये वैल्यू भी याद रख सकता है, तीन पांच, इसके सुनो आप, इसके इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसके मैं आपको पहले वैसे दिखाता हूँ लोगों, मेरे पास क्या है, पेन नहीं का, कोई नहीं, सैनिटाइजर की बोतल तो है, तो देखो ऐसे है, O3 का स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, yes, yes. ऐसा है, देखो अब देखो मैं इस बोतल को फिक्स करके पेन को घुमाऊं ऐसे ऐसे, पेन घूम रहा है ऐसे, ऐसे ऐसे दिख रहा है सबको, देखो डिग्री ऑफ, इस बोतल को फिक्स करके पेन घुमाऊं, दिखा, यस सर, या मैं पेन को फिक्स कर दूं और बोतल को घुमाऊं ऐसे ऐसे, सही है, ये एक ही मतलब है इस चीज का, एक ही तो मतलब हुआ यार, चाहे इसको फिक्स करके इसको घुमाओ चाहे इसको फिक्स करके इसको घुमाओ, समझ में आ रहा है सबको, दिखा सबको मोशन, yes, अब सब रेस्पॉन्ड करो मुझे, दूसरा देखो क्या करूं मैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं बेटा, झूले में घूमे हो झूले में ऐसे ऐसे, yes, दिख गया, yes, एक देखो एक कैसे है बेटा, ऐसे देखो ऐसे पूरा दोनों ऐसे ऐसे दिख रहा है, देखो एक ऐसे है, yes, एक ऐसे है और एक पूरा ऐसे है, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको फिजिक्स आपने कितनी पढ़ी है, लेकिन आई कैन शो यू इन डायग्राम, जैसे मान लो ये है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन बना सकते हैं अपन, तो एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसा, इसके अलोंग मूव कर रहा है, एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसा और एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है ऐसा, दिखे सबको बताओ, ये और ये सेम ही है बेटा, ये और ये जो ग्रीन बना रहा हूं ना सेम ही है बेटा, दिख रहे हैं सबको, यस सर, तो ये तीन हो गए, तो टोटल कितने हुए, छह, तो मोनो एटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं बेटा, तीन, डायटोमिक के होते हैं पांच, पॉलीएटॉमिक लीनियर के होते हैं पांच, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के कितने होते हैं, छह, क्या ये बात सबको क्लियर है, सर ये लास्ट में मतलब तीन पांच क्यों लिखा है, तीन पांच कहां लिखा बेटा, हाँ मतलब टोटल करा है ना दोनों का, तीन प्लस जीरो तीन, तीन प्लस दो पांच, तीन प्लस दो पांच, तीन प्लस तीन छह, टोटल कर दिया टोटल, एक बार लीनियर वाला बता दो, लीनियर में बेटा देख, लीनियर में तो एक गोला है, सिंपल एक गोला है, तो वो अपने एक्स, वो अपने एक्सिस पे घूमेगा, एक गोला ले लिया तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करूंगा केमिस्ट्री, क्यों छोड़ दे बस, ठीक है, तो वो एक्स में चल सकता है, वाई में चल सकता है, जेड में चल सकता है और अपने एक्सिस पे घूम सकता है, तो अपने एक्सिस को घूमने वाला मैंने जीरो मान लिया, सही है, नहीं सर, वैल्यू क्यों है, हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, हाँ सॉरी अब बताइए, जैसे लीनियर वाले में मतलब लीनियर की वैल्यू में 3-3 क्यों लिखा है हमने, 3-3 कहाँ लिखा है बेटा, 3+0 लिखा है लड़की, रोटेशनल जीरो है उसका और एक्स वाई जेड में वो घूम रहा है, उसके तीन लिखे हैं, आया क्या समझ बेटा, आया, आवाज नहीं आ रही तेरी, बाकी लोगों को क्या इसी समझ में आ रही है क्या यार, बताइए सर, ये चीज नहीं आई सर, ये सबके लीनियर तीन तीन कैसे हैं बेटा, क्योंकि लीनियर में तो तीन ही मोशन करेगा ना, या तो आदमी एक्स में जा रहा होगा, वाई में जा रहा होगा, जेड में,
ओके सर, लीनियर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लीनियर तो बिल्कुल आसान है, सही है? यस सर। एक बार यार सब लोग हैंड रेज कर दो प्लीज, ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली चीज समझ में आ गई है क्या प्लीज? क्योंकि मैं इसका ये फिजिक्स का पोर्शन है बेटा, केमिस्ट्री का नहीं है, बट मुझे पढ़ाना पड़ा क्योंकि आपको नहीं आता है, तो मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, तो फटाफट एक बार हैंड रेज कर दो जिसको समझ में आ गया है, मुझे पता चल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं यूज करूंगा केमिस्ट्री में, क्योंकि ये आएगा नहीं, तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको ये चीज आती है, एडिशनल चीज है, मेरे काम की चीज नहीं है, ठीक है? मेरे लिए तो फॉर्मूला था बस F/2nRT, उतना काम था, तो मेरे को पूरा बताना पड़ा है आपको, रीजन बीइंग कि यदि वो नहीं आएगा तो आपको फिर सर रोटेशनल जीरो क्यों है बबीता, वो वाला जो मोनोएटॉमिक के लिए थी तो पूछ लियो कि अपने एक्सिस पर रोटेशन वाला जीरो क्यों है, वो मैं अभी नहीं समझा सकता, उसके लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो अभी हम उसको हटा देते हैं, ठीक है लड़की? वो अभी याद कर ले सीधा, ठीक है? वो थोड़ा और मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों को लेकर, मैं अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है? इतना हुआ क्या सबका? बेटा सब लोग एंश्योर कर लो प्लीज, दिस इज नॉट माई पार्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, मैं डायरेक्टली आपको बताता आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया जिससे कि चीजें देख सके, है ना? तो सही है इतना, अब अपन को अभी बहुत सारा पढ़ना है अगली क्लास के लिए अपने पास। इसके दो तीन क्वेश्चन है एडियाबेटिक का बचेगा, चलो डायरेक्ट। हाँ जी इतना, ये बताओ थर्मो समझ में आया सबको बेटा? ये बताओ सब लोग मुझे ऐसे फीडबैक दो, मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है? मैंने आपकी बात सुनी क्योंकि आपने मुझे कल, मुझे भी लगा कि यार बहुत जल्दी पढ़ाने से कोई सेंस नहीं बनेगा, तो मैंने आपको हर चीज बताई है थर्मो की, है ना? जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ना ओरिजिनल, ठीक है? मैंने कुछ चीजें फास्ट करी है लेकिन आपको मैंने हर छोटी से छोटी बात बताई है, इसका एडवांटेज मिलना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, 45 में से दो सवाल आते हैं मिनिमम, दो सवाल का है ये चैप्टर, अब कोई भी पीरियड उठाएंगे ना मिनिमम दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसलिए मैं इसको आराम से भी पढ़ा रहा हूँ और आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? हालांकि मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे रह जाएंगे, आपका पेपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट कि ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या ये मेरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कंप्लीट हो पा रहा है, आपके दिमाग में जा रही है बातें, क्या आप लिंक कर पा रहे हो दोनों लेक्चर्स को? यस सर। अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया है। तो अब ना अपन अगला लेक्चर लेंगे ना, उसमें थोड़ा सा इसको और समराइज करेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाया हूँ, है ना? तो रीजन ये न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो कल जब मैं डाउट क्लास लूंगा ना आपकी, तो यदि आप मुझसे डाउट नहीं पूछोगे, डाउट पूछोगे तो पहले डाउट ही बताऊंगा, और डाउट नहीं पूछोगे तो मैं क्या करूं?